Relax! Ready! Attention! Everyone start! Vande Mataram! Kirti! Dharya! Kirti! Vande! In the diary, check the timetable of my dear all students. Then I brush and then I do some exercise to 6 to 7 and then I brush my teeth to 7 to 7:15 and then I go to bath from 7:15 to 8 o'clock to 9 o'clock. I eat my dinner, then I go to bed. खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। स्वामी विवेकानंद के इसी कथन को सत्य करते हुए डीसीएस अपने सभी विद्यार्थियों को जीवन के हर क्षेत्र में प्रबल बनाने की कोशिश करता है। डीसीएस में सुविधाओं का अभाव जरूर हो सकता है लेकिन उत्तमता का नहीं। मेरा नाम ज्योति धीमान फ्रॉम डीसीएस। मैथमेटिक्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव वे ऑफ बिल्डिंग डिसिप्लिन, इनक्रीज लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल रिगर। The subject of mathematics is called game of number. Science is the study of physical world in which we study about the various laws in the nature. Science developed the curiosity in the student's mind and the person who read it. What do you think? I am right or wrong? I am Shweta Kashyap and working at DCSM. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others.
we teach students through the activities. Through activities, we can improve the knowledge and skill of the students. Thank you. I am Sapna from DCS AMP. English is the universal language of communication worldwide. We can communicate with other countries if we know English. And the easiest way of learning English is speaking and listening. I am Poonam from DCS AMP. This is a model of types of angle. This is the model of area perimeter of the different shapes. So first shape is square. This is the model of photosynthesis from which O2 is released. हेलो एवरीवन, नमस्कार. माई सेल्फ रश्मि राजपूत. और आज मैं आप सभी के सामने कुछ बोलना चाहती हूँ. एजुकेशन इज बिटर बट द फ्रूट्स ऑफ दिस इज स्वीट. सो दिल्ली कॉन्वेंट इज ए स्कूल दो दैट इज टर्निंग योर ड्रीम्स इन टू रियलिटी. सो पेरेंट्स, आज मैं आप सभी के सामने एक फॉर्मूले के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहती हूँ. और मेरा फॉर्मूला है LSWR. सो क्या है ये LSWR? सो चलिए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ LSWR. सो L स्टैंड्स फॉर लर्निंग. तो देखिए, सबसे पहले एक बच्चा जब जन्म लेता है तो हमारी जिंदगी में क्या होता है कि वो बच्चे ने जब जन्म लिया है तो वो क्या करता है, हमारे घर के माहौल में L फॉर लिसनिंग, वो सुनता है कि कोई क्या बोल रहा है. तो उसकी जिंदगी में इम्पैक्ट पड़ता है सुनने का. तो L फॉर लिसनिंग, तो हमें बड़े सोच समझ के अपने घर में बोलना चाहिए. उसकी जिंदगी में सुनने का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है. जैसा वो सुनेगा वैसा ही वो बोलेगा. ओके, चलिए ये हो गया मेरा L. फिर आता है S. S फॉर स्पीकिंग. जैसा हम बोलेंगे, स्पीकिंग जैसा हम बोलेंगे वैसा ही बच्चा बोलेगा. तो स्पीकिंग का हमारी जिंदगी में नंबर दो पे बहुत प्रभाव पड़ता है. इसकी इम्पोर्टेंस नंबर टू पर आती है. इतना प्रभाव पड़ता है कि जैसे हमारी होगी, देखिए ये फॉर्मूला ना केवल हमारी किसी एक राज्य के लिए है बल्कि ये हर लैंग्वेज के लिए है. पूरे भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व के लिए है ये. चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हमारी मराठी हो, चाहे वो हमारी उड़िया हो, गुजराती हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी धर्म हो, सभी के लिए ये फॉर्मूला हमारा सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है. चलिए नंबर थ्री पे आता है हमारा W. W फॉर राइटिंग. इसके बाद बच्चा सीखता है राइटिंग. वो हाथ चलाना सीखता है, लिखना सीखता है थोड़ा थोड़ा. और राइटिंग, बच्चा स्कूल जाने लगे या इस घर में ही वो कुछ ना कुछ लिखना चाहता है. उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है कि मैं कुछ भी करने लगूं. तो देखा है हम लोगों ने, बच्चा कभी दीवार पे कुछ लिखने लगता है, कभी कहीं लिखने लगता है, क्रेयंस ले लेता है. पहले सबसे पहले वो कुछ मोटी चीज उठाता है तो हम उसके हाथ में मोटे मोटे क्रेयंस देते हैं. उससे वो कुछ कलर करने लगता है, दीवारों पे लिखने लगता है. तो ये भी उसके अंदर क्यूरियोसिटी आती है. तो इसके थ्रू भी बच्चे की लाइफ की एजुकेशन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है. फिर आता है हमारी जिंदगी में R. R फॉर रीडिंग. तो रीडिंग का तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ में. रीडिंग मीन्स उसकी प्रोनंसिएशन को करेक्ट करने का सबसे मेन टाइम. अगर बच्चे ने रीडिंग कर रहा है और उसकी प्रोनंसिएशन अगर हमें गलत मिली या गलत उसने सुना लाइफ में, तो वो भी गलत करेगा. जैसे कि देखिए, मैं फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहती हूँ. एग्जाम्पल के लिए मिल्क, एक वर्ड है मिल्क. अगर उसने मिल्क की जगह सुन लिया मिलक, या फिर एक वर्ड है हमारा ए जिसकी साउंड होती है अ. ए साउंड इज अ, बी साउंड इज ब, सी साउंड इज क. अगर बच्चे ने ये साउंड हमारी ठीक से नहीं सीखी तो उसकी जिंदगी में साउंड यानी प्रोनंसिएशन बिल्कुल गलत होगी. तो हमें जिंदगी में साउंड और फोनिक्स को बहुत ही सोच समझकर अपने बच्चे को सिखाना चाहिए, क्योंकि ये अगर ठीक नहीं हुई तो पूरी जिंदगी, होल लाइफ बच्चे की साउंड और प्रोनंसिएशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से बच्चे की रीडिंग में और स्पीकिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, तो चलिए, दिल्ली कॉन्वेंट एक ऐसा स्कूल है जो टर्निंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी. आई कमिट टू यू, मैं आपके सभी सपनों को पूरा करूंगी. मैं दिल्ली कॉन्वेंट स्कूल प्रिंसिपल रश्मि राजपूत आपके इन सारे सपनों को पूरा अब तक करती आ रही हूं और आगे भी पूरा करूंगी. प्लीज आप मुझे एक चांस दीजिए, अपने बच्चे को यहाँ एडमिट करिए, एक चांस दीजिए, ये सारे सपने आपके पूरे होंगे यहाँ पर. वेलकम इन DCS. थैंक यू वेरी मच.